स्टूडेंट आज जो मैं आपके साथ वीडियो को शेयर करूंगी वो है पीरियोडिटी एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर, और इसमें जो है पीरियोडिटी इन फीमेल, तो ये अभी आज हम करेंगे डिस्कस इसके बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो इसमें स्टूडेंट क्या है, इट इज़ द एज ऑफ एज एट विच द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रीच मेच्योरिटी इज कॉल्ड द मेंचार। जब एक लड़की के, एक फीमेल के जो इंटरनल ऑर्गन हैं जो बकायदा तौर पर मेच्योर हो जाते हैं, तो फिर क्या उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हमें उसको कहते हैं मेंचार। द एज ऑफ प्यूबर्टी जो है यही एज होती है प्यूबर्टी की, और ये कितनी होती है, ये होती है 10 से 14 साल तक की, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें क्या क्या होता है, फिज़िकली एंड फिजियोलॉजिकल चेंजिंग, यानी कि जो फीमेल होती है बच्ची लड़की, उसमें क्या होता है कि फिज़िकली भी कुछ चेंजिंग आती है और फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजिंग आती है, यानी कि बॉडी में भी कुछ चेंजिंग आती है और कुछ अदात में और उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा ये चेंजिंग आती हैं एक लड़की में। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजिंग आती हैं। तो इसमें क्या है, द रीप्रोडक्टिव ऑर्गन रीच मेच्योर, यानी कि जो रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एक लड़की के वो क्या हो जाते हैं, वो मेच्योर हो जाते हैं, सही। फिर आ जाता है ओवलेशन बिगिन मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ओवलेशन होनी शुरू हो जाती है, एग मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। फिर आ जाता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर अपीयर, यानी कि प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो साइंस हैं जो एक 10 से 14 साल की बच्ची में, लड़की में नज़र आ रहे होते हैं। फिर आ जाता है इंक्रीज द हाइट एंड वीडिंग ऑफ द पेल्विक अकर। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ जो ये फीमेल होती है इसकी हाइट जो है ये बढ़ती है, और पेल्विक बोन में भी कुछ थोड़ा सा बदलाव आता है, और डिपोजिशन ऑफ़ फैट हिप एंड ब्रेस्ट, और कुछ फैट जो है वो हिप पर और ब्रेस्ट पर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो ये स्टूडेंट वो हैं जो कुछ प्यूबर्टी के साइन हैं, जो प्रॉपर तरीके से क्या एक साइन चलता आ रहा होता है कि ये ऐसे ऐसे ये चेंजिंग आएंगी एक लड़की में। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कि ये क्या होता है, ये 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सही है। तो इसमें कितने पीरियड होते हैं, ये देखिए पहले 5 दिन जो आते हैं वो कहलाते हैं ये 5 दिन के पीरियड के दिन। फिर उसके बाद जब एग मेच्योर होता है तो उसके बाद के ये हो जाएंगे हमारे पास कुछ 14 दिन ये होंगे, ठीक है। ये देखिए 14 डेज ये हो गए, तो ये कितने हो गए टोटल 19 डेज बन जाएंगे। तो पीछे कितने हमारे पास डेज बचते हैं, 9 दिन जो होंगे वो फिर ये जो हैं बाकी ये 9 दिन बचते हैं। तो ये टोटल जो है इस तरीके का मेंस्ट्रुअल होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है इसको हम कुछ लेडीज़ में, कुछ लड़कियों में, कुछ फीमेल्स में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये होता है 28 डेज का, और कुछ में ये होता है फीमेल्स में 30 डेज का। तो स्टूडेंट ये जो है ये एक वीडियो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड पर और प्यूबर्टी पर, ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों पे बात होती है, पूछा भी जाता है, तो आप इस वीडियो को ख़ुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।